साहस सरोकार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड को सीजेआई पद की शपथ दिलाई, जो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के नए 50वें सीजेआई बने डीवाई चंद्रचूड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। वो जज जिसने अपने पिता के फैसले को पलटा, पिता भी रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश। 2 साल का होगा इनका कार्यकाल। संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड ने भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हुआ और जिन्होंने 11 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूर को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूर से पहले उनके पिता वाईवी चंद्रचूर भी देश के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस चंद्रचूर अपने खानदान की दूसरी पीढ़ी है जो न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचे हैं। उनका कार्यकाल करीब 2 साल का रहेगा और वो 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट लेंगे। डीवाई चंद्रचूर का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ। 1998 में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर 2013 में शपथ ली थी। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जुड़े रहे और 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। वाईवी चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 1978 को चीफ जस्टिस की शपथ ली थी और 11 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहे थे, जो देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस थे। अब उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ को भी 2 साल का कार्यकाल मिला है, मगर अक्सर चीफ जस्टिस को इससे भी कम का कार्यकाल मिलता है। तो वही रिटायर होने वाले जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल महज 74 दिनों का ही था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के ही 2 फैसलों को पलटा है, जिसके लिए अक्सर वो चर्चा में रहते हैं। अयोध्या जन्मभूमि विवाद, राइट टू प्रिवेसी सेक्शन 377 और आधार स्कीम की वैधता समेत ऐसे कई अहम मामले रहे हैं जिनका फैसला सुनाने वाली बेंच का जस्टिस चंद्रचूर हिस्सा रहे हैं। हाल ही में अविवाहित महिलाओं को भी 6 माह तक का गर्भ गिराने की परमिशन देने वाली बेंच का भी वो हिस्सा रहे थे। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने जैसे फैसले शामिल हैं। भारतीय संविधान से जुड़े अहम मामलों से लेकर कई आपराधिक और दीवानी मामलों के फैसले वो सुना चुके हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।